नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। चौधरी रणजीत सिंह ने चौधरी देवीलाल के सम्मान समारोह पर हुई इनेलो की गोहाना रैली में घटे घटनाक्रम के बारे में बयान देते हुए कहा कि सारी घटना मिस मैनेजमेंट की वजह से हुई है और इसमें सबसे ज्यादा गलती चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की है। उन्होंने कहा कि इन्हीं की गलतियों की वजह से सोनीपत, रोहतक और झज्जर चौधरी देवीलाल के गढ़ माने जाते थे जो कि इनके हाथ से निकल चुके हैं। और फिर सरकार तो पिछले 15 सालों से भी नहीं है, अब तो केवल पार्टी के कब्जे की लड़ाई है, बल्कि सरकार की बात नहीं। पूर्व राज्यसभा सांसद चौधरी रणजीत सिंह आज सिरसा के रानिया क्षेत्र में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोल रहे थे। वे आज यहां पर ग्रामीणों के साथ में नाईवाला क्रीप चैनल में पानी की मांग को लेकर के इकट्ठे हुए थे। रणजीत सिंह ने कहा कि पूर्व की हुड्डा सरकार द्वारा जो चैनल पास हो चुके थे उनका पैसा भी रिलीज किया जा चुका था, लेकिन वर्तमान सरकार की वजह से अभी तक 25% काम बाकी पड़ा है, जिस वजह से रानिया के साथ लगते लगभग 1.5 दर्जन गांव में पानी की समस्या बनी हुई है और इसी को लेकर के आज पंचायत का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले तो इस समस्या को लेकर के अधिकारियों से सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा और यदि सरकार फिर भी नहीं चेती तो किसानों के साथ मिल करके आंदोलन किया जाएगा। आप देख रहे हैं पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की ये खास रिपोर्ट। ये जब कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, तब एक रानिया में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, पब्लिक मीटिंग में। उसमें हुड्डा साहब ये अनाउंस करके गए थे, लोगों की इलाके की मांग थी और मैंने ये सैंक्शन कराया था। 97 करोड़ रुपया दिया था आपका रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल के लिए और 34 करोड़ रुपया नई आला खरीफ चैनल, दोनों उन्होंने सैंक्शन करे थे। इस सैंक्शन करे को आज 8 साल हो गए और उसके बाद सरकार ने जो है ना, पहले काम जितने हो गए तब तो हो गए कांग्रेस सरकार में, अब इसके बाद काम बिल्कुल ढीला हो गया, सरकार देख ही नहीं रही। 75% काम हो गया, जो 25 तब से बाकी पड़ा था वो एज इट इज पड़ा है, उसको आगे कुछ नहीं करे। जैसे खाल बनने थे, आपके पुल बनने थे, अब जो खेतों में जब ये माइनर निकला तो सरकार का होता है कि पहले ड्राइंग में नक्शे दिए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं, पुल सैंक्शन है, पैसा भी सैंक्शन है, उसके बाद सरकार पुल नहीं बना रही। पानी आ गया पब्लिक के दबाव में, पर पुल नहीं बने, पुल बनने चाहिए, खालों के और लोगों के रास्तों के पुल बनने चाहिए। इसके बाद आगे जो उसमें है ना, 25% इसकी खुदाई होनी, आगे जो ये गाँव हैं जिनके लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इनके पानी नहीं जा रहा है, इस करके नहीं जा रहा कि आगे खुदाई नहीं हो रही। अगर इस नहर की खुदाई हो जाए तो पानी सब जगह पहुँचेगा, 100% इसकी यूटिलाइजेशन होगी। दूसरा ये था कि आगे जो एक कणकवाल डीजल लाइन जा रही है उसके आगे से पानी लेने के लिए, पानी तो नीचे ऊपर निकाला जा सकता है, जब पाइप लाइन लोग यहाँ से लेके जाते हैं वो भी हो जाएगी, उसके लिए सरकार को टेकअप करना चाहिए कंपनी से, जो जिनकी रिफाइनरी है उनके गवर्नमेंट लिख है तो इजाज़त मिल जाती है, उसके नीचे से पाइपलाइन निकल के लोगों को पानी मिलना चाहिए। पानी सैंक्शन हो गया, पीछे इसमें ओटू डैम में बहुत पानी पड़ा है, पर आगे नहीं होने पे, संसाधन नहीं होने पे सरकार का मामला ये लोगों का रुका हुआ है। चौधरी देवीलाल की बहुत बड़ी विरासत थी, देखिए मुलायम सिंह का बेटा मुख्यमंत्री बन गया जिसको चौधरी देवीलाल ने बनाया, उसका बेटा मुख्यमंत्री बन गया 5 साल बाद, आगे भी वो नेता है, कभी भी दोबारा फिर बन सकता है। लालू प्रसाद यादव को भी चौधरी देवीलाल ने बनाया, उसका बेटा आज सबसे बड़ा देश में कदावर नेता हो रहा है और बिहार का सबसे अग्रिम नेता, एक लाइन का लीडर बन रहा है। आज कुछ उम्र नहीं, अभी शादी नहीं हुई, वो 5 साल बाद 2 साल बाद वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। और यहाँ मिसमैनेजमेंट से मैं तो ये कहूँगा सारी ओम प्रकाश जी की गलती है कि उनकी गलतियों से आज रोहतक सोनीपत झज्जर भी चौधरी देवीलाल का गढ़ था, हाथ से निकल गया। सरकार तो 15 साल से नहीं है, अब तो पार्टी के कब्जे की लड़ाई है, सरकार की बात नहीं है।